मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत जिले में वृहद सफाई अभियान का कार्य किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के साथ साथ फॉगिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि गांव में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 600 गांव में सैनिटाइजेशन और सफाई का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद अब फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में कोरोना और इंसेफेलाइटिस का संक्रमण ना फैलने पाए, इसके लिए पंचायती विभाग द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 3 दिन से हम लोग जो है सैटरडे से अभियान शुरू किए हैं। अभियान 3 दिन का है, मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान। इसके अंतर्गत हम लोगों ने गोरखपुर में 600 ग्राम पंचायतें ली हैं। हर ब्लॉक में अमूमन हम लोगों ने 30 ग्राम पंचायतें ली है, जिसको कि पूरी तरह से स्वच्छ करने का हमारा लक्ष्य है। इसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली प्लस जहाँ JCB की ज़रूरत है वहाँ JCB और सफाईकर्मी प्लस मजदूर भी। अगर आपको कहीं भी अगर सफाईकर्मी की कमी है, वो छिड़काव का भी कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर मजदूर को भी हायर कर सकते हैं। ग्राम निधि एक के जो धनराशि जो राज्य वित्त केंद्रीय वित्त में आती है, उसकी मदद से ये जियो आया हुआ है। इससे ये मकसद था कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएँ, वहाँ पर कूड़े का जगह अगर कहीं ढेर है, कहीं अंबार है, तो वो ना रहे। इसके तहत अभी तक आज सबसे पहले शनिवार का जब अभियान शुरू कराया गया था, 170 ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने साफ कराया था। रविवार को ये अभियान जो है और विस्तृत रूप में हुआ, लगभग 270 ग्राम पंचायतें हमने साफ सफाई कराई। उसमें जहाँ भी जरूरत पड़ा वहाँ पे JCB लगाया और भी ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, जिस तरह सफाई होनी थी कराई। तो कुल मिला के 440 ग्राम पंचायतें अभी तक हम लोगों ने साफ करा लिया है। आज भी ये अभियान जारी है। आज इस अभियान के तहत हम लोग 160 ग्राम पंचायतों को हमने कम से कम टारगेट रखा है कि 600 ग्राम पंचायतों जो हमारा टारगेट था वो टारगेट आज पूरा हो जाए। उसके बाद फिर अगले हफ्ते जो है, फिर शनिवार रविवार अगले अब 3 दिन जो है आज भर ये अभियान चलेगा। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र बृहद तौर से सैनिटाइजेशन का अभियान चलेगा, और अब शनिवार से फिर हम लोग जो बचे गांव हैं उसको लेंगे और जो ग्राम पंचायतों में सफाई हो गई है उसमें फॉगिंग का अभियान चलाएंगे, ताकि ग्राम पंचायतें स्वच्छ रहे। कोरोना का जो भी बीमारी से उसका जो भी अगर सफाई से या गंदगी से या छिड़काव से कोई जो भी संबंध है उसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि कोरोना का गांव से जो है नाश हो जाए। सर, मानसून भी आ रहा है और इंसेफेलाइटिस का भी कहर बरपता है, उसको लेकर भी कोई सतर्क बरतना? बिल्कुल, इसी के लिए हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव कराने का ये कर रहे हैं। सफाई इंसेफेलाइटिस का मेन रीज़न आपको भी पता है कि सफाई है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए सफाई पर हम लोग पूरा जोर दिए हैं। फॉगिंग जो है अगले हफ्ते से, अब इस हफ्ते जो है मे भी हम लोग बुध या बृहस्पतिवार से अभी प्लान बना रहे हैं, हम लोग फॉगिंग का एक बृहद अभियान चलाएंगे कि डेली कम से कम हर ब्लॉक में 4 या 5 गांव में फॉगिंग हो, ताकि 10 दिन में सारा पूरा गांव कवर हो जाए। तो फॉगिंग का अभियान चलाएंगे और एंटी लार्वा छिड़कने का, क्योंकि एंटी लार्वा जो है फॉगिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और एंटी लार्वा का हर एक 7 दिन में ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि बरसात रहेगा। 10 तक अभियान भी अभी शुरू होगा, उसमें भी हम लोग साफ सफाई में पूरा फोकस करेंगे।